किस रीच में रिवर्स हूँ मैं इसको, दूसरी औरतों के साथ इसका चक्कर चल रहा है के साथ पर किस किस के साथ है, वो तो लड़के वाले तक भी बोल के, बैंक वाले तक बोल के भाई ये दूसरी शादी कर रहा है, मैं कहाँ ले जाऊँ उन बच्चों को। देखो आज 13 साल हो गए, 13 साल से मैं सहन कर रही हूँ, मैं मम्मी कुछ नहीं हो जाएगा, सुधर जाएगा तेरा बेटा, अभी भी कह रही मेरा बेटा गलत नहीं है, अब तो मेरा कोई भी नहीं, माँ बाप ने भी छोड़ दिया मेरे को, मैं किसके लिए मांग लूँ, अपने बच्चों का इज्जत मांग लूँ, मुझे और उससे कुछ नहीं चाहिए। इसने पैसे दे रखे अगली ने, उसका जब तक ये पैसे ये कौन ही पाल रहा है, वो मेरे को क्या देगा, तभी तो बात दीदी मैं निकली हूँ। और अभी उसके लिए ना जॉब है ना नौकरी है ना कुछ है, कहाँ जॉब ही नहीं है उसके पास, साथ झूठ में साथ मत देना, मैं सबको बोल रही हूँ मैं भद्रकाली सच्चाई की जीत करूंगी, अधर्म का नाश करूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज़तर्रार में। इस वक्त मैं दिल्ली के बलजीत नगर इलाके में मौजूद हूँ। दरअसल एक महिला का कहना था कि यहाँ पर उनके ससुराल वालों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें घर से निकाल दिया गया उनके 2 मासूम बच्चों के साथ, उनसे ज़बरदस्ती घर का किराया मांगा जाता है, ज़बरदस्ती उनसे झाड़ू पोछा करवाया जा रहा है, तमाम आरोप उन्होंने अपने ससुराल पर लगाए। अब क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है और उनका क्या कुछ कहना है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इस खबर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके पति यहीं काम करते हैं? मेरे को बोला कि मैं यहाँ भी काम कर रहा हूँ, मेरा भी यहाँ पे, आप कह रहे हैं मैं चांदी चौक गया हूँ, ये उनकी दुकान है या काम करते हैं? मैंने सुना एग्रीमेंट इनके नाम का बना हुआ है और ये जगह जगह, हाँ एग्रीमेंट मेरे पति के नाम का बनाया है, बोला है मेरे को, और ये बोला कि साइन भी इसके नाम के पति के हैं, हर जगह पति पति बना रहा। भाई भाई इसका मैं इनका पति है तो मेरा पति कहाँ है ये बता दो ना, इनके पति बोल के। हाँ आज शादी कितने समय पहले से? हाँ जी शादी कब हुई थी मेरी? 2013 में हुई थी। 2 बच्चे आप? हाँ। क्या चल रहा है पति के साथ, क्या मैटर चल रहा है? वो कह रहा है डिवोर्स दो, आज की डेट में कैसे डिवोर्स दूँ मैं उसको, बताओ ना मैं किस बात में डिवोर्स दूँ। क्यों मांग रहे डिवोर्स? आज मुझे कह रहा है डिवोर्स दे, किस रीज में डिवोर्स दूँ मैं इसको, दूसरी औरतों के साथ इसका चक्कर चल रहा है, रोड ही चला गया आता है इसका चक्कर ही चक्कर चल रहा है, मेरे का सहन करेगी सहन, अब तक उसे चक्कर ही चलने में लग रहा है, आज मुझे कह रहा है डिवोर्स दो, किस रीज में डिवोर्स दूँ, क्या भाग है कौन से घर में, अगर सच्ची है तो अपना पति बुलाएगी ना, 30 लाख दिए तो बताओ ना मेरे सामने से बोल रहा हो। क्या लगता है आपको ये वो दूसरी औरत है जिनके साथ अफेयर चल रहा है? इनके साथ पर किस किस के साथ है, वो तो लड़के वाले तक भी बोल के, बैंक वाले तक बोल के भाई ये दूसरी शादी कर रहा है, सहन है हमारे इसके पति बना रखा है। ये जैसा आपके ऊपर आरोप लगा रही है, आप कुछ बोलना चाहते हैं उसे लेकर? आपसे देखो मेरे को ये चीजें बंद कर रहा हूँ। नहीं मैं तभी पूछ रही हूँ आपसे, नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं उनसे पर्सनल बात करूंगी, मैं इसमें बात नहीं करूंगी। इन्होंने आपके पति को अपना पति बना रखा है? सैन बोल रखा है, सब जगह बोल रखा है, मेरे को सुना है, मैंने भी सब सुना है, मैंने कहा अभी इग्नोर कर रही थी, मैं कहा नहीं है यार मजाक कर रहे हो तुम लोग, सब मजाक कर रहे हो मेरे साथ, वो कर रहे हो आज चलते फिरते रहो, मैं मुझे वही बोलता घर घर में झाड़ू पोछा करके पाल रही हूँ। पति कहाँ गए आप? पति कह रहे मैं चांदी चौक अपनी माँ के साथ घर में है, मेरे घर की बिजली लाइट सब काट रखी है, मकान मालिक से भी मेरा चक्कर चला दिया लोगों ने, 5 साल से चक्कर, मैं कहाँ ले जाऊँ उन बच्चों को। कब से परेशान कर रहे हैं ससुराल वाले? देखो आज 13 साल हो गए, 13 साल से मैं सहन कर रही हूँ, मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं हो जाएगा, सुधर जाएगा तेरा बेटा, अभी भी कह रही मेरा बेटा गलत नहीं है, मैंने कहा मम्मी लड़कियों के बीच में घुसा है तुझे पता नहीं है, जब तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के गया तो मेरा क्यों छोड़ के गया, कल रात से मैं बाहर बैठी हूँ, कोई एक कारण नहीं, मैं पार्क में बैठी हूँ, कहाँ बैठी हूँ, अब तो मेरा कोई भी नहीं, माँ बाप ने भी छोड़ दिया मेरे को, मैं किसके लिए मांग लूँ, अपने बच्चों का इज्जत मांग लूँ, मुझे और उससे कुछ नहीं चाहिए, अगर उसको डिवोर्स चाहिए ना मैं डिवोर्स बिल्कुल नहीं दूंगी, अगर ये सच्चे बोल रहे हैं ना 30 लाख दिए हैं मेरे को सबूत दो, ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपको 30 लाख सबके सामने दिया, कह रहे हैं इनकी माँ को भी बुलाओ, सबको बुलाओ, मैं मीडिया में इसकी पूरी वो कर दूंगी, कहीं का नहीं रहने दूंगी, आते मैं सहन गई, मैं हुआ सेल में गई, सबको गई पैसे गिला के वो कर रखा है, आज मेरा पड़ोसी से भी पूछो ना मैं कैसे बैठती हूँ, घरों घरों में पानी मांगती हूँ लोगों से। बता रहे थे घर से निकालते रात भर बाहर, रात भर बाहर रही, मकान मालिक ने ताला लगाया था, मैंने कहा अंकल जी अभी आने तो वो हो जाते, कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं न्यू मम्मी भी मंदिर गई है मेरी, साथ मंदिर गई है, तो वो उन्होंने लगाया, कह रहे आपके मेरे को कह रहे कि तेरी वजह चल गया, तूने सब कुछ करवाया, मैंने सब कुछ कराया, मैंने कहा ठीक है मैंने कराया ना, मेरे से परेशानी है तो मुझे, ये मेरी सास है। हाँ तब क्या मामला है? हाँ जी क्या मामला है, क्यों रो रही है, क्यों घर से निकाला हुआ है? किसने निकाला बेटा? आप लोगों ने इतना है ना, जो इंसान एक वक्त में इतना झूठ बोलता है ना, जो 400 बीची होते उसी का माना जाता है झूठ में, इसको बोलो आ इतने बच्चे हो गए हैं, इसने मैंने कल परसों बेटे को घर में बुलाया, मैंने कहा बेटा 3 कमरे का सेट में देख के मैं दिखाऊंगी भी, 10,000 किराया था, मैंने कहा तो इधर तू रहेगी उधर हम रहेंगे, उधर वो रहेगा उत्तर दक्षिण पश्चिम, छोटा परिवार, बच्चों को देखो घर बनाओ, मैं तो भाई अब
लगा लो बूढ़ी हूँ, चाहे बूढ़ी हूँ नहीं हूँ, मैं अपना पूजा पाठ वाली हूँ, ना बाहर का खाना खाती हूँ, ना मीठ मट्टी खाती हूँ, सिर्फ अपना खाना बना के वही खाने वाली और कुछ नहीं। तो इसको मैंने कहा बेटा ऐसा कर, कमरा देख के आई हूँ, लड़के का ना जॉब है बेटा, ना मैंने कहा काम ठप हो गया है, ऐसा कर तू काम में जाती है सुबह मेरे मंदिर से आने, झंडे वाले से आने, तो ये कभी मुझे घर में नहीं मिली, चले जाती है, बच्चे मैं को दिन में मैं देखती हूँ। तो मैं कहती हूँ ये आती है कभी 4 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, मैं इसको बोलूँगी बच्चे तू इतने टाइम से कहाँ जाती है, इनका काम है सुबह शाम काम कर रही है, घर में किराया क्यों नहीं दिया पति, जब पति के लिए सारी चीज़ें तो पति देखेगा ना बेटा, पति भी दे, तुम जॉब नहीं कर रही हो, कर रही हो ना, लेकिन मुझे मुझे कंपल्शन थोड़ी है कि मैं पैसे दूँ घर पैसे, इसने किराया देना था ही नहीं देना, बेटे का अब लगाया जॉब में बेटा, अब हमें झूठे आंसू आते नहीं है, क्रिकेट का हम कलर बदलते नहीं है बेटा, माता रानी करती है ना जो कुछ भी करती है, कुछ भी करती है करेगी, देवी तब धन जो देवी देवता ये करते हैं कि धर्म की जय अधर्म का विनाश, जो धर्म की जीत होती है। बेटा कहाँ आपका बेटा, काम पे गया, एक हफ्ता लगा है, एक हफ्ते में गया, देखो कल तो 2-3 दिन तक यहाँ घूम रहा था, मैं पकड़ी थी इसको, छुट्टी थी अगले के से, उसने पैसे ले रखे हैं, इससे पैसे ले रखे हैं, पैसे ले, जैसा ये बोल रही है कि ये कह रही है कि ये उनकी पत्नी है, दूसरी पत्नी है, कैसा चल बना, और ये दुर्गा माँ विचार करेगी फिर बेटा, ए मैया विचार करेगी, देख आपको कोई जानकारी है, इसमें कुछ नहीं है, मैं इसने पैसे दे रखे है अगली ने, उसका जब तक ये पैसे आपके साथ तूने खाया ने, जब होटल से खाना आता था ना, इसके बोलो सुनो मीठी मीठ, जब बाहर के आदमी भी इसने शिकार, वो परे आदमी के मेरे को बोला था राजू तेरी माँ को गाली दे घर से निकाल, हम ये माता रानी बैठी है, ये मेरे बच्चे भगवान के घर में देर होता है बेटा, अंधेर नहीं होते, बाजार खोल रखा है, सब बात है, ये आदमी की रात, तुम भी नौकरी कर रही हो ना, घर में बैठ जाओ, आदमी को थूको, परसों मैंने बुलाया इसको भी, आदमी दोनों के सामने ये भाग गई बाहर, मैंने कहा भाई भाग क्यों रही है, अरे उसको कह रही है भागा, तुम्हारा बेटा भागा है, थूकी, मेरे को क्यों थूक रही है, मैं घर में बुला के लाई हूँ, झंडे वाली कृपा ला, ये बताइए कि आप और आपका बेटा कहते जबरदस्ती काम करो और किराया भरो, भरना ही पड़ेगा, अरे बेटा ऐसा, एक बार आदमी जब लड़का बेरोजगार है, आज तक दुकान थी तो काम कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, इसका बिल अभी भी पड़े हैं खाने पीने का, लाती थी मेरे बिल है खाने पीने के, मैंने खाया बस, मैंने खाया, मेरा को बोली ना धर्म की जय हो अधर्म का विनाश, दुर्गा माँ क्या करेगी, धर्म की जीत करेगी, अधर्म का विनाश कर देगी, हम तो इसे ये अभी रोज कहती हूँ मैं इसको, धर्म की जय अधर्म का विनाश, बस वो तो ठीक है, लेकिन इनका खाने पीने का बताइए ना, खाना देते नहीं देते, ये माँ को नहीं पाल रहा है, वो मेरे को क्या देगा, तभी तो दीदी मैं निकली हूँ, और अभी उसके लिए ना जॉब है, ना नौकरी है, ना कुछ है, कहाँ जॉब ही नहीं है उसके पास, कहाँ से खाए, अरे बेटा कहाँ से खाती थी, सच बोलना, क्या करेगी झूठ का विनाश करेगी, संचय की घंटा लग रहा है, तमाशा ये किसने करा बाबू, ये मैंने करा, मैं मंदिर से आई थी ना, मेरे आने ताला, मेरा जेवर तक कुछ नहीं छोड़ा, जेवर तक मेरा भी बेचा, जब उसने दुकान करी, मकान खरीदा, सबका दे दो जी, अबे मैं वो काम खड़ी कर करती हूँ जो मैं लाऊं और करूँ, नहीं आता है तो कठिना, पति को कठिनाई आती है तो मंगलसूत्र भी दे दे, ये जब मारने के आते ऐसे देखती है आदमी को, पर आदमी झूठे मुँह से तो बचाती है, ऐसी औरत कहती है चलो भाई मेरे पति को क्यों मार रहे हो, क्यों ऐसे देखती, अरे मजा आ गया भाई, मारा मारा किसकी औरत का, फिर ये कहती है ना, ये पपली में देखती हूँ, चलो अदाओ पपली, मेरे अंदर सच्चाई होगी ना, सच्चाई की जीत अधर्म का विनाश दुर्गा माँ करेगी, बस जब पति को मार रहे ऐसे देखेगी कमर में हाथ रखे, मैंने कई बार धक्का दिया इसको, मेरे को तू कैसी पत्नी, पति मार खा रहा, ये देख रही है कि तुम्हारी पत्नी देखेगी तुम उस पत्नी का क्या करोगे, सही है तुम का भाई, सही है तो कितनी सही है, ऊपर लाओ ना, तुमने मेरे बचपन की सहेली लाके, बचपन की सहेली लाके तूने, तुमने लाए, तुमने उसका जेवर तक खाया, मैं ही घर में टाइम पास करने आई, तू शादी हो गई नहीं होगी, पर जब शादी होगी तू घर में जाएगी, शादी करे तू कहेगी मैं टाइम पास कर रही हूँ, मुझे रखने वाला मेरे बच्चे सीमित है, तू ऐसा बोलेगी, किसकी औरत बोलेगी, बोल रखा मेरे रखने वाले सब है ये बच्चों सीमित, मेरे रखने के लिए मेरे सब है, मेरे बच्चों समेत रखा है, मैं तो रिश्तेदार बोला है, मैं तो रिश्तेदार बोला है, रिश्तेदार नहीं बोला, इसलिए बताया कि आप लोग इन लोगों को मारते पीटते, जो पति वो मारते हैं इनको पीकर, ये रोजी रोटी का कसम है, ये मारती है, उस दिन इसके गांड में मार दिया, मैं उस दिन एक होटल से खाना नहीं लाया था, बेटा मेरे बेटे को ये बोलती थी ना, ये
उसको खाना है ना, खाना मत इन बच्चों को, दादी को मत बोलना, भले मैं ना खाती हूँ, क्यों गुस्सा करेगी? अरे भाई गुस्सा क्यों करेंगे? मैंने कहा भैया बाहर खा का मीट मुर्गा दोनों अड्डी टोड़ते हैं। एक हमने कहा भाई तू खा, देखो भैया तुम्हारे घर में दारू नहीं चलती है, तुम्हारे घर में ये मीठ में चीनी चलती है। झूठ में साथ मत देना, मैं सबको बोल रही हूँ, मैं भद्रकाली सच्चाई की जीत करूंगी, अधर्म का नाश करूंगी। मैं शुरू से एक नारा लगा के आई हूँ, धर्म की जय करूंगी, अधर्म का विनाश कर दूंगी। बस मैं भद्रकाली अधर्म का विनाश करूंगी, धर्म की जीत करूंगी। बस इसके लिए मेरी बहू है ना, इसके लिए हमने दुख करा होगा, गंदा करा होगा ना, चलो हमारी फांसी लगा, मेरी फांसी लगा दो, मेरी फांसी लगा दो, हमने इसके लिए कोई को गलत करा दो। आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किस वजह से चल रहा है? भैया ये इसको अग्नि का कर्जा देना है लड़के ने। अब ये इसकी इसके बात सुनो, इसके बनी ने अपन, अब ये सहेली की बात करती ना, 10 साल पहले की बात, गलती हमने नागरा गड़ा इसके आगे, इन्हें पुलिस के हैं। ये बच्चे कहाँ 10 साल के बच्चे हो गए हैं, ये कहाँ से आए? कह रही 10 साल शादी नहीं होगी, बच्चे 8 साल का है ना, 10 साल का है। क्यों नहीं बताया जो लड़की लेके अंदर तुमने एक महीना आपने रखा? पुलिस के सब कुछ कर रखा है बेटा, माफी मांग लो, ऐसा कर लो, सब कुछ करा मैंने उस आदमी के लिए, क्या नहीं करा? गंगाजल सारा का मैं हरदान लेके। अच्छा तुम्हारा गंगाजल लोगों को मत बोलो, लोगों कुछ नहीं करेंगे, गंगाजल पिएगी। मैं रोके बात करो, मैं रोके बात करो, मैं क्यों हम पीऊंगी बोलो, पीऊंगी मैं सब कुछ पीऊंगी, बेटे को भी दूंगी जो मैं इसके झूठ में शामिल हूं। कोई नहीं है मेरे झूठ में शामिल, ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये मेरी रिश्तेदारी है, पब्लिक है ये मेरे लिए। बोलती है मेरे सास में तो क्या है, वो है ये है सो है, अब क्या है मुझ पर क्या है? आज मैं ड्रामा कर, मैंने बुलाया ये हमारा कभी तो बाप का देखा ना, मेरे मायके वालों ने। अभी तुम कैसे आए, अभी कैसे आए, कैसे आए? बेटे ने फोन करके बुलाया ना, बेटे ने बुलाया, रहने दो मम्मी, मुंह बंद, ससुर का है मेरा, ससुर का है, ससुर का है, ससुर मैं आएगा, मैं बुला लूंगी उसको, मैं नंगी हो जाऊंगी, फंसा दूंगी, वो डरपोक आता नहीं है। झूठ भी मैं बुलाऊं अपने घर, जाओ चरणों में हाथ रखो, रखो ना, मैं भी रखो, जाओ हे माता रानी, इसने बोल रखा है कि तू घर में आएगा मैं नंगी हो जाऊंगी, मैं तुझे फंसा दूंगी। ले उसने, हमने कहा तू क्यों नहीं, हम पांडे हैं ना, मैंने कहा पांडे जी क्यों नहीं आ रहा घर, कहा बहू ने मुझे धमकी दे रखी है, वो तो नंगी हो जाएगी, मैं क्या करूंगा, मैं इसमें नहीं पड़ता। नंगी तो तुमने करा, कमरे में मेरा कैमरा लगाया, कैमरा लगाया इन्होंने, बाथरूम का कैमरा लगाया, मुझे खाना नहीं देते, मारते पीटते, हमने कहा भी कैमरा मेरे कमरे में, लड़कों तक सुलाए, क्या बोलूं मैं, देवर तक सुलाए मेरे कमरे में, क्यों बच्चा, क्यों रिश्तेदार भाई, ठहर एक बार, रहने के लिए जगह नहीं है तो कहां जाएगा रिश्तेदार, जल्दी बताओ। भाभी के साथ थोड़ी देवर को सुलाना, भाभी के साथ क्यों था, इसका पति भी तो था वहीं, अच्छा पति भी है ये, पति पत्नी के बीच किसी लड़के को थोड़ी सुलाना, उसने क्यों मना नहीं करा? मैंने बोला भी था शादी से पहले, एक लड़के रखा था, मैंने कहा भाई तुम शादी करके लाए हो, झूठ बोले बोले, मैं कोई उन्हें झूठ का बोली, मैं आज तक नहीं बोली, सहन करी तूने, हजारों मेरे पुलिस बोला, पुलिस वाले इसके ऊपर मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे को नहीं पता इसका न्यूज़ सब जगह फैलेगा, इसको देसी घी हजम नहीं हो रहा, पुलिस वाले खुद बोल गए माता जी इसको देसी घी हजम नहीं हो रहा। हां नहीं बोले तो खिलाया, नहीं बोल गया था, तुम्हारा दादी का खर्च क्या, दादी का खर्च क्या, बच्चे हुए तो कब आए, कहती थी मेरे बच्चों को हाथ लगाई खिलाएगी तो इनके कसम है, तेरे बेटे की कसम है, उस दिन रात में खाना होटल से नहीं लाया, उसके गांड में मार दी, क्या बच्चे बच्चों ने मेरे पास दादी दादी पावा भी हो सकता है, मैं नींद में दो तो 11 बार देखो क्या हो गया तेरे पापा, अरे तू बोला ना उस औरत के बचा रहे हो, तेरे पापा को गांड में मारी थी, बता मुठ की बता, मैंने मारी थी, मैंने कहा मारी थी, अब उसका कैसे मारा था, ऐसे ऐसे नहीं होता, ठीक है तो मैंने कहा ये बाहर है, आपका बेटा बहू से पिट भी गया? हाँ भाई ये पीटते, वो तो डरता था, कच्चे में मूंदता था, ये ऐसे कर दे, मैं घर बचाने के लिए मैं कहती थी चल भाई चल भाई, वो अभी नहीं बोलता था, जब इनने कहा हंगामा कर, आपका बेटा शराब पी कर इन्हें मारता था या नहीं? भाई शराब नहीं पीता, नहीं मार, और जो पीटता है पत्नी के साथ वो मारेगा, जो पिटाई खाती है मेरे बेटे को आने नहीं देती है, मेरा लड़का तो रंडीबाजी करेगा, वो पीटेगा तो ये तो कई बार ऐसे करती है, बताओ बताओ, इसने परसों भी मैंने बुलाया था ना, मैंने कहा घर से क्यों निकाला, रात भर वो बाहर क्यों रही? नहीं निकाला, ये अपनी मामी के घर पे थी, मैं तो किसी के घर नहीं थी, बुलाऊं उसको, नहीं तो किसी के घर में थी, उसको बुलाऊं, मैं ये क्या कहता है, ऐसी झूठी तेरी झूठी दुर्गा मां सांस में लाएगी,
मैं ये कह रही हूँ, मैं किसी इंसान इसके लाख है मेरा कोई नहीं है, सिर्फ इसके साथ जिसकी मैं सेवा पूजा करती हूँ। इतनी उम्र मैंने इसके ना ये किसी का मैं इसकी तरह मैं झूठ ना, मेरी भद्रकाली मेरी जुबान काट देगी, ज्वाला मेरी काट दी है। आज आज मैंने रिश्ते के लिए मना भी कर दिया, फिर भी आए मेरे घर में चक्कर काट काट के। मेरे लिए रिश्ते के लिए आए थे, मना हो गया था, लड़का मंगली है, सबको इन्होंने झूठी करके उस टाइम मना क्यों नहीं कर, हमने जबरदस्ती खींचा निकला। मांगने वाले तुमको जबरदस्ती घर से खींचेंगे क्या? खींचेंगे अपनी कास्ट की छुपाई, कास्ट की छुपाई बिस्ट करके बिस्ट से तुम पांडे पहुंच गए। अरे भाई भैया तुम अरे हमारे ना, अरे भाई मेरी भाई उसको उसको नहीं, वो मेरे लिए मूर्ति है, वो मूर्ति है, पता है मूर्ति ड्रामा। चलो कौन सी बात, सोनू अभी भी घर में चले अपना, तुमने तोड़ा है, तुमने तोड़ा है मैया, नहीं कर रहे। मैं अपना इंसाफ मांग रही, मैं माता मैया रानी को नहीं घसेड़ रही हूँ। ठीक है आप पानी मंगाओ, पानी मंगाओ, पानी अच्छी बात है क्या, शान को पानी दो, पानी पानी का पानी, चलो तुम चलो चलो शान दो चलो। अब इनकी नंद है? हाँ हूँ, तो ये तो बदकिस्मत के इसकी नंद है और मेरी भाभी ऐसे पल। मामला क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है लड़ाई? जो उसने कहा से पूछा हमने, पता मुझे कुछ नहीं पता, हाँ मैंने पूछा उससे, जिस माइक को हाथ मत लगाओ पहले, तमीज जिसने पूछा है उससे बात करो, मैं भी तमीज से बात कर रही हूँ। आप तमीज से नहीं कर रहे? मैं तमीज से ही कर रही हूँ, जो उससे तमीज पूछ लिया मैंने और आपकी मम्मी से भी पूछा, जरूरत नहीं है। पैसे लेके गए मेरे से, कह रही पैसे लाओ, भाई मैं कहाँ से लाऊं, 14 लाख कह रही मेरे भी ले रखे है, मैंने ले रखे है, जिसको दिया उसको बोलो ना, जो तुम्हारी डेयरी में है तुम्हारे घर पे है उससे मांगो, मैं कहाँ से दूँ बताओ, मैं घर घर में झाड़ू पोछा करने वाली, आज मुझे उसको उसने रोड पे ला दिया मेरे को, मैं झाड़ू पोछा कर, मेरे का भाई तुझे मुझे नहीं रखनी, साफ बात है तुझे नहीं रखनी, तो अपनी माँ को तो रख, माँ को तो रख अपनी, तेरी जन्म देने वाली माँ है तेरे, तू अब उसका खून है, तुझे नहीं रखना है ना, मैं अपने बच्चे कैसे भी करूँ, मेरे बच्चों का खर्चा तू देगा, मेरे बच्चों का खर्चा देगा, मैं अपने बच्चे उसको नहीं दूंगी, ठीक है? क्या आप अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसे पति के साथ रहना चाहती है, ऐसे ससुराल वालों के साथ रहना चाहती है? डिवोर्स किस रीजन में मांगू, डिवोर्स देने के लिए इसके पास कुछ है? मैंने इसको बोला अगर डिवोर्स चाहिए ना मेरे पास, तू 50 लाख दे, हाँ रफा दफा हो, मेरा फिर तेरा से कोई रिश्ता नहीं है। आज तेरा घर बर्बाद कर दिया, मकान वाले से मेरा चक्कर लगवा दिया, 5 साल से मेरा चक्कर लगा दिया, सच है तो भागे क्यों, चोर है क्यों भागे, क्यों भागे भाई चोर, नंद क्यों नहीं बोली, बोल रही है ना मेरे को, आज इसने मेरा नंद भाभी का रिश्ता भी नहीं रखा, भाभी तक नहीं बोलती मेरे को, वो मेरे पास बोलती है ले जा अपने गंदे बच्चे गंदा खून। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे इस मामले को लेकर, क्या कोई पुलिस में कंप्लेन किया आपने? मैंने कल की थी, मेरा कॉल नहीं लगा, 112 पे भी किया नहीं लगा, मैं जाऊंगी थाने जाऊंगी, पुलिस वाले को भी ये लोग पैसे खिलाते हैं, पैसे खिलाते हैं, मुझे पता है मैंने कराऊंगी, मेरा कुछ ही वहाँ से न्याय नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे ऐसी हुए, बच्चों को स्कूल डाला इस वाले में झूठ नहीं बोलूंगी, मंदिर के अंदर डाला, इसने एडमिशन करा उसके बाद ना यूनिफॉर्म ना किताब ना कुछ ना फीस जमा, ना बच्चों की देखरेख करते ना आपकी, कुछ नहीं, खर्चा पानी तक नहीं देते हैं, इन्हें सब बंद कर दिया। जो अभी कह रही थी आपके सास के, आप पैसे दोगे किराया दोगे दोगे, जबरदस्ती मांगते पैसे आप लोगों से, मांग रहे ना अभी, अभी सुना ना आपने, मैं कहाँ से लाऊं भाई, घर घर में कितना का होता है काम, बताओ, झाड़ू पोछा करके कमाते हो? पोछा करती हूँ, इस मकान में करती हूँ, लाल मंदिर में करती हूँ, उस मैडम का ही फोन आ रहा है, ये काम वाली का ही फोन आ रहा है मेरे पे, बताओ अभी मेरे ऐसा करके हाँ मेरे घर में चलो ना, मेरे घर में 1 किलो आटे चावल के अलावा कुछ हो तो, ये यहीं कहीं से तमाशा देख रहा है मेरा, यहीं पे मेरा फोन आया आदमी का, कुछ मैंने करवाया ना, भैया कौन सा परिवार पाल रहे हैं पहले ये बताओ, कौन सा परिवार, तुम्हारे तो दो परिवार हो गए हैं, दो परिवार हो गए ना, कौन से परिवार को पाल रहे हो भाई बताओ ना, आज मैं कौन से परिवार, दो परिवार है ना, कौन सा परिवार, जगह जगह तो बोला कि मेरा पति मेरा पति मेरे पति के साइन मेरे पति के साइन, भाई मेरा पति कहाँ ये बता दो, मेरा पति कहाँ है मुझे ये बता दो, हाँ
आज डिवोर्स भी मांग रहे हो, किस रीजन पे डिवोर्स मांग रहे हो? मकान मालिक तक तो तुमने मेरे पे इंशारा, अभी मम्मी ने यही बोला मेरे को कि मकान मालिक को तूने बोला कि ताला लगा, चाबी लगा, बिजली लाइट सब तेरी वजह से काटी है। तेरह साल से मैं परेशान कर रही हूँ, रोनी से चल रहा है ना, रोनी से तेरा चक्कर भी चल रहा है। तूने मेरी सैली ला के रखा, मैंने तब भी तुझे कुछ नहीं बोला। नहीं, मम्मी कैसे बोल रही है कि मुझे 30 लाख, मम्मी कह रही है दीपाली के 30 लाख रुपए दो, दीपाली से मैंने पैसे लिए थे। वो तो आप ही पालोगे, माँ को भी पालोगे, बीबी को भी पालोगे। डिवोर्स का चल रहा है ना, वो तो चल रहा है। आपने मार पीट करी, सब कुछ करा, क्या नहीं करा तुमने? तो मेरे पे क्या निशान लगाया 5 साल से, चक्कर क्या क्या नहीं बोला? मुझे अपना इंसाफ चाहिए, मुझे नहीं, मेरे को नहीं पता। आप भी आओ, मैं पूरा तुम्हारा मीडिया में पूरा तुम्हारा खुलासा कर दूंगी। मम्मी ने कहा कोई नहीं? अच्छा, अब मैं कुछ नहीं करती राजू जी, मैं कुछ नहीं करती ना, तमाशा तो तूने बना रखा है, मेरा तमाशा तूने बना रखा है। जो तू चोरों की तरह रातों रात भागा, तू मर्द होता तो सामने बोलता। आज माँ भी मेरे को बोल रही कि तेरी वजह ताला लगा, मैं पूरा भर बैठी रही। फोन कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे दिखाओ ना एग्रीमेंट किसके नाम का है। मेरे को कहते हैं दुकान में नहीं जाएगी, उसको अपनी बेटी की कसम दे रखी है, हैं? मेरे को इसको कहते हैं तेरी क्या लगती है? मैं कहा मेरी तो कुछ नहीं लगती, आपकी कुछ लगती है तभी आप घुसते हो यहाँ, आपकी कुछ लगती है तभी तो घुसते हो। आपके ऊपर उसने उड़ाया है ना, पैसा दिया है ना, किसी चीज़ में दिया तो वो कहाँ है? 30 लाख, 30 लाख दिया तो रेंट क्यों नहीं भरा? रेंट क्यों नहीं भरा? आज तक भरते आज क्यों नहीं भर रहे हो? कह रहे मैं आज मैं मार्केट गया हूँ, वहाँ गया हूँ। डिवोर्स कब से मांग रहे हैं? ये डिवोर्स तो मेरे से कब से मांगने में लग रहा है, मैं तो अगर अफेयर चल रहा है इसी वजह से मांग रहे हैं। हाँ, इनका चल रहा है, मेरे को कह रहा है मुझे नहीं रखनी। किस रीजन पे ये बताओ ना। ये बच्चा हो गया, मैं इस बच्चे में, मेरे घर वालों ने भी मुझे सपोर्ट किया था, बेटा डिवोर्स दे दे, ये लड़का नहीं सुधरने वाला। आज ये खुद बोलता है मैं नहीं सुधरूंगा। देखिए, ये दिल्ली का बलजीत नगर इलाका था। दरअसल इनका हमारे पास कॉल आया था कि इनके ससुराल वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया है। कल रात ये बाहर रही अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो ये उस जगह पर हमें लेकर आए जहाँ पर इनका दावा है कि इनके पति काम किया करते हैं। हालांकि इनके पति तो हमें यहाँ पर नहीं मिले, लेकिन उनके साथ कॉल पर इनकी बातचीत हुई, वो आप लोगों ने सुनी। इसके अलावा इनके सास और नंद यहाँ पर आए, उन्होंने क्या कुछ बातचीत की वो भी आपने सुनी है। मैंने पूरी कोशिश की थी कि दोनों जो तरफ की बातें हैं वो आप लोगों को दिखाऊँ। ये भी आपने सुना कि इनके सास का क्या कुछ कहना था। हालांकि जो इनकी नंद आई वो आकर पता नहीं क्यों मेरे साथ बदतमीजी करने लगी, जबकि मैंने पूरी खबर में दोनों की बराबर बात सुनी है। ऐसे भी नहीं कि मैंने इनकी एक तरफा बात सुनी हो या उनकी एक तरफा बात सुनी हो, हालांकि मैंने अपनी तरफ से दोनों की जो बात है वो आप लोगों को सुनाई है। आपने पूरा मामला देख लिया, आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि क्या लगता है दोनों में से कौन सच बोल रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या बहू पर अत्याचार हो रहा है। और इस तरीके से जिस तरह से इनकी सास कह रही थी कि लड़कियां कमाती हैं तो घर में पैसा देना ही पड़ेगा, किराया तो देना ही पड़ेगा, क्या वो तर्क आप लोगों को सही लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि अगर इनके साथ वाकई में गलत हो रहा है तो इनके साथ कैसा इंसाफ होना चाहिए? जो पुलिस कार्रवाई की बात करेगी, कई बार कंप्लेंट्स की है, वुमेन सेल में भी की है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होती है, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।